इसे हम आग्रह करना चाहेंगे कि इन लोगों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इन लोग की जो भी मांगे हैं उस पर विचार किया जाए। सर, आग्रह ये कर सकते हैं, आप पार्टी में हैं, आप उनके कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, तो आप आग्रह करने वाले जो स्तर होता है वो आपका नहीं है। आप लोगों जिस स्तर पे हैं, अभी जिस पद पे हैं, जिस जिम्मेवारी के साथ हैं, आपका कर्तव्य ये बनता है कि जो इनकी मांग है या तो इन्हें आप बताइए कि ये गलत हैं, या फिर ये बताइए कि ये सही है, तो इनका जो नियुक्ति है वो लागू कीजिए। ये आम जनता हैं, काम करने वाले लोग हैं, आम लोग हैं। आप भी अगर आग्रह करने लगेंगे तो फिर ये लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ मिलने आए हैं, हम लोग इनकी बातों को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करें। पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे उस पत्र के खिलाफ में, तो यही पटना के गर्दनी बाग में अठारह बारह 2021 को तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए थे। उस समय वो नेता प्रतिपक्ष थे, आ करके घोषणा किए थे कि जब हमारा पार्टी बिहार सरकार में आ जाएगा तो हम वार्ड सचिव को अस्थाई करेंगे। सबसे पहले उसके बाद उचित मानदेय देते हुए हम न्याय देने का सबसे पहले काम करेंगे। लेकिन आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी सत्ता के मलाई खाने में मग्न हैं और जो वादा किए थे हम वार्ड सचिवों से, वो वादा को बिल्कुल ही भूल गए हैं, वादा उनको याद नहीं आया। इन्होंने बताया कि ये मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री जी से आश्वासन ले चुके हैं, जो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं उनसे मिल चुके हैं, उनका भी आश्वासन ले चुके हैं, फिर आप उसमें अतिरिक्त क्या विशेष डालेंगे अपने आग्रह में, या उन्हें कौन सी विशेष परिस्थितियों से अवगत कराएंगे जो नीतीश कुमार जी को नहीं पता? माननीय मुख्यमंत्री जी को सब कुछ पता है, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर एक गलती कर बैठी है, क्योंकि सम्राट चौधरी जी के तानाशाही नीति के कारण ही हम वार्ड सचिव आज 117 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हम पटना के गर्दनी बाग में 2021 में धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो गर्दनी बाग से उठ करके बीजेपी कार्यालय गए थे सम्राट चौधरी जी के जनता दरबार में मिलने के लिए, तो यही सम्राट चौधरी जी हम वार्ड सचिवों पर प्रशासन से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करवाया था। लगभग हमारा सैकड़ों वार्ड सचिव उस जगह पर घायल हुआ था, जिसमें हमारा 3 वार्ड सचिव शहीद भी हुआ और हमारा लगभग दर्जनों। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाव, आप देख रहे हैं फेरिट आउट न्यूज़। आज रामनवमी है, जब सभी लोग अपने घरों में खुशियां मना रहे हैं, जब राम जन्म का उत्सव मना रहे हैं, वैसे में पटना गर्दनी बाग में वार्ड सचिव आज पिछले 117 दिन से बैठे हुए हैं और आज भी आप देख सकते हैं ये लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और इस उम्मीद में हैं कि सरकार इनकी मांग सुने, जो इनके निरस्तता के लिए पत्र जारी किया गया था, लेटर जारी किया गया था, उसे रद्द करे और इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो। लेकिन वो इंतज़ार इनका कब तक चलने वाला है, आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। सर, आज 117 दिन हो गया, क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद, जिस उम्मीद के साथ हम बिहार सरकार के साथ इस 7 निश्चय योजना में 4 वर्ष अपना कीमती समय दिए, उसी उम्मीद के साथ आज हम 117 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपने बिहार के गार्जियन माननीय नीतीश कुमार जी को हम अपनी मांगों को लेकर जानकारी देने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अपने बिहार के गार्जियन माननीय नीतीश कुमार जी से कहना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि महोदय, आपने हम वार्ड सचिवों का जन्म दिए हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को आप ही पर आशा है, आप ही पर हम लोगों को विश्वास है, क्योंकि आपने अपने वेबसाइट पर नोटिफिकेशन निकलवाया था कि बिहार में हम 1.25 लाख लोगों को एक साथ नौकरी देने जा रहे हैं, मैट्रिक पास योग्यता के आधार पर वार्ड सचिव के पद होगा। तो हम वार्ड सचिव सरकारी नौकरी के झांसा में आ करके आपके 7 निश्चय योजना में 4 वर्ष समय दिए, निश्चित रूप से आपके ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना को हम बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिव 4 साल समय देकर, कोरोना काल ऐसे समय में समय देकर आपके योजना को धरातल पर उतारने का काम किया है। और जब हम लोग आपके योजना को धरातल पर उतारने का काम किया, लेकिन एक तानाशाही पंचायती राज मंत्री, उस समय जो पंचायती राज मंत्री थे,
जिनका नाम यमराज चौधरी, सॉरी सम्राट चौधरी जी थे, सम्राट चौधरी जी है। सम्राट चौधरी जी पंचायती राज के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा दबाव बना करके, डॉक्टर रंजीत कुमार के ऊपर दबाव बना करके एक पत्र जारी करवाए 13/12/2021 को, जिसका पत्रांक संख्या 72/19 है। उस पत्र में साफ दर्शा दिया गया है कि WIMC के गठन के साथ साथ फिर से वार्ड सचिव का भी गठन होगा। कहने का मतलब हो गया कि 4 साल से कार्य कर रहे वार्ड सचिवों को हटा करके नए सिरे से दूसरे वार्ड सचिव का गठन होगा। मतलब हो गया कि जो 4 साल वार्ड सचिव काम किए हैं उनको पद मुक्त कर करके फिर दूसरे को सरकारी नौकरी का झांसा दे करके चयन प्रक्रिया में लाया जा रहा है। उसी का विरोध आज हम 117 दिन से पटना के गर्दनी बाग में कर रहे हैं। 2021 में भी हम पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे उस पत्र के खिलाफ में, तो यही पटना के गर्दनी बाग में, यही पटना के गर्दनी बाग में 18/12/2021 को तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए थे। उस समय वो नेता प्रतिपक्ष थे, आकर के घोषणा किए थे कि जब हमारा पार्टी बिहार सरकार में आ जाएगा तो हम वार्ड सचिव को अस्थाई करेंगे। सबसे पहले उसके बाद उचित मानदेय देते हुए हम न्याय देने का सबसे पहले काम करेंगे। लेकिन आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी सत्ता के मलाई खाने में मग्न हैं और जो वादा किए थे हम वार्ड सचिवों से, वो वादा को बिल्कुल ही भूल गए हैं, वादा उनको याद नहीं आ रहा है। तो क्या मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने बात की तत्कालीन जो नेता प्रतिपक्ष थे तेजस्वी यादव थे, और उस वक्त सरकार में और या जिस मंत्रालय की आप बात कर रहे हैं उसके जो मंत्री थे सम्राट चौधरी थे, और वो अब BJP के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। उस वक्त तेजस्वी यादव आपसे वादा करते थे कि जब वो सरकार में आएंगे तो आपको नौकरी देंगे और जो लेटर जारी हुआ है उसे निरस्त करेंगे। अब वो सरकार में चले गए हैं। ये सम्राट चौधरी जी जो उस वक्त मंत्री थे अब विपक्ष में चले गए हैं, जो राजनीतिक समीकरण सारे बदले हैं, उसमें आपकी परिस्थितियों पे कोई अंतर आया है कि नहीं? जस करनी तस भोग, ये जो पूर्वज के से कहावत है वो बिल्कुल सही है। जस करनी तस भोग, जैसा सम्राट चौधरी जी हम वार्ड सचिवों के साथ किए, हम वार्ड सचिवों का बद्दुआ लग गया, लेकिन फिर भी अच्छा, ये आप लोग का बद्दुआ है? एकदम बिल्कुल बद्दुआ है, उसी का असर है, बिल्कुल बद्दुआ है, उसी का असर है। आप जैसा कर्म कीजिएगा फल आपको वैसा ही मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी फिर यहाँ पर एक गलती कर बैठी है कि तानाशाही व्यक्ति को बिहार के प्रदेश अध्यक्ष चुनने का काम किया है। ये बिल्कुल भाजपा पार्टी यहाँ पर एक गलती कर बैठी है, क्योंकि सम्राट चौधरी जी के तानाशाही नीति के कारण ही हम वार्ड सचिव आज 117 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हम पटना के गर्दनी बाग में 2021 में धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो गर्दनी बाग से उठ करके BJP कार्यालय गए थे सम्राट चौधरी जी के जनता दरबार में मिलने के लिए, तो यही सम्राट चौधरी जी हम वार्ड सचिवों पर प्रशासन से बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज करवाया था। लगभग हमारा सैकड़ों वार्ड सचिव उस जगह पर घायल हुआ था, जिसमें हमारा 3 वार्ड सचिव शहीद भी हुआ और हमारा लगभग दर्जनों साथी जेल भी गए, लेकिन भाजपा पार्टी फिर भी इतना देखने के बावजूद भी उसी तानाशाह को बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया है। तो हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उस तानाशाही प्रदेश अध्यक्ष को हम सबसे पहले बधाई दे रहे हैं कि आपका वही रवैया बिल्कुल बरकरार रहे, ताकि आप रोड पर बिल्कुल आ जाएं जितना जल्दी, और पार्टी को भी रोड पर ला देने का आप ही काम कीजिएगा। आपको प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। ये तो बातें हो गई राजनीति की। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो मैंने सवाल किया था, जो मूल सवाल था, कि सरकार बदलने से आपकी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन आया कि? बिल्कुल परिवर्तन आया है। माननीय नीतीश कुमार जी से मिले हैं, माननीय नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि आपका मांग बिल्कुल जायज है, आप हमारी योजना में काम किए हैं, आपको हटा करके दूसरे को रखने का कोई मतलब नहीं बनता, निश्चित रूप से आप ही रहिएगा
वो माननीय नीतीश कुमार जी प्रभार दिए विजय कुमार चौधरी को देखने के लिए। विजय कुमार चौधरी जी की यहाँ पर गलती है कि वो हमारे मांग पर खड़ा नहीं उतर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी आश्वासन दे रहे हैं कि जो बाढ़ सचिव को अस्थायी करने का जो भी प्रक्रिया है, हम विभाग को उस प्रक्रिया में लगाए हुए हैं, बहुत जल्द ही इसका घोषणा ऑफिशियल घोषणा हो जाएगा। अब पंचायती राज मंत्री जी की, जहां तक वर्तमान पंचायती राज मंत्री जी के बात किया जाए, तो पंचायती राज मंत्री जी यहां पर एक कहा जाए तो गौध बाबा बन के बैठ गए हैं। ये गौध बाबा हैं, पंचायती राज मंत्री जी हैं जो गौध बाबा हैं। इनको हमेशा ऊपर के अधिकारियों से डर है। इनको ये नहीं पता है कि हमारा पार्टी बाढ़ सचिव के साथ क्या घोषणा किया मंत्री जी को अधिकारियों का, हमारा चुनावी मैनोफेस्टो में बाढ़ सचिव के प्रति क्या घोषणा है, तो ये सब चीज़ों का कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो पंचायती राज मंत्री जी एक सीधे साधे हैं, जैसे कहा जाता है कि घर में जिसको सीधा साधा रहता है उसको गौध बाबा बोला जाता है, तो एकदम बिल्कुल पंचायती राज मंत्री जी हमारे एकदम सेम वही हैं। लेकिन फिर भी पंचायती राज मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि महोदय आप एक बार नहीं ऑन वीडियो कैमरा के सामने बोले हैं, ऑन वीडियो कैमरा के सामने बोले हैं कि जब बाढ़ सचिव को हम निश्चित रूप से पुनः पद पर रखने का काम करेंगे, तो आप अपने वादे पर खड़ा उतरिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि आपके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि आप लोग 4 साल काम कर चुके हैं, अगर आंकड़ों में देखा जाए। बता दूँ मैं समर्थन के तौर पर आया हूँ, मैं JDU से जुड़ा हुआ हूँ और ये लोग हमारे ही क्षेत्र के हैं और इन्होंने बहुत ईमानदारी से 4 साल बाढ़ सचिव के रूप में काम करने का काम किया है। इस धूप भरी गर्मी में ये लोग आज हमारे जितने भी बिहार के लोग हैं आज अमन चैन के साथ रामनवमी पर मनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग बैठ करके अपने अधिकार के लड़ने के लिए काम कर रहे हैं, पूरे बिहार के बाढ़ सचिव के अधिकार के लिए लड़ने का काम। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी JDU में जिम्मेवारी क्या है। जी मैं JDU में जिला प्रवक्ता रह चुका हूँ युवा JDU का, अभी हमारी कमेटी भंग। कहाँ पे? पटना ग्रामीण। सर मैं आपसे एक बहुत स्पष्ट सवाल जानना चाहूँगा, आप इनके समर्थन में यहाँ आए हैं, ये साधुवाद के पात्र हैं आप, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, अगर इनके 4 साल की बात की जाए और उसको आंकड़ों में ढाला जाए तो 1450 दिन लगभग होते हैं, 100 दिन से ये धरने पे लगभग बैठे हुए हैं, 117 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, आखिर और कितने दिन इन्हें पूरा करना पड़ेगा? इन्होंने जितनी ईमानदारी से 4 साल अपने कार्य को निर्वहन करने का काम किया है, हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि इन लोगों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इन लोग की जो भी मांगे हैं उस पर विचार किया। सर आग्रह ये कर सकते हैं, आप पार्टी में हैं, आप उनके कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, तो आप आग्रह करने वाले जो स्तर होता है वो आपका नहीं है। आप लोगों जिस स्तर पे हैं, अभी जिस पद पे हैं, जिस जिम्मेवारी के साथ हैं, आपका कर्तव्य ये बनता है कि जो इनकी मांग है या तो इन्हें आप बताइए कि ये गलत हैं, या फिर ये बताइए कि ये सही है, तो इनका जो नियुक्ति है वो लागू कीजिए। ये आम जनता हैं, काम करने वाले लोग हैं, आम लोग हैं। आप भी अगर आग्रह करने लगेंगे तो फिर ये लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ मिलने आए हैं, हम लोग इनकी बातों को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करेंगे, इनकी जो समस्याएं हैं उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने का काम करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, जैसा इन्होंने बताया है, कि मुख्यमंत्री जी ने इनकी बातों पर विचार कर बहुत जल्द इन लोगों के। आप सर पार्टी की तरफ से आए हुए हैं या व्यक्तिगत आए? मैं व्यक्तिगत आया हुआ। लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि ये मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री जी से आश्वासन ले चुके हैं, जो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं उनसे मिल चुके हैं, उनका भी आश्वासन ले चुके हैं, फिर आप उसमें अतिरिक्त क्या विशेष डालेंगे अपने आग्रह में, या उन्हें कौन सी विशेष परिस्थितियों से अवगत कराएंगे जो नीतीश कुमार जी को नहीं पता? माननीय मुख्यमंत्री जी को सब कुछ पता है, उन्हीं के द्वारा यह नियम लाया गया था। इन्होंने जितनी ईमानदारी से काम किया है, जितने मेहनत से ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं, इनकी सारी परेशानियों के साथ साथ इनके द्वारा जो कार्य किया गया है, उन सारी बातों को हम अवगत कराकर इनकी मांगों को पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे। कहते हैं आपके आने के बाद किन परिस्थितियों में जो परिवर्तन आएगा, क्या उम्मीद, बेहतर क्या उम्मीद करते हैं? हम इन्हें पूर्ण विश्वास नहीं, पूर्ण आशा के साथ कह सकते हैं कि हम इनकी जो मांगे हैं, जो अधिकार हैं, जिसके लिए संघर्षरत हैं, इनकी बातों को हम पूर्ण रूप से माननीय मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं के पास पहुँचाने का काम करेंगे। तो देखा आपने यहाँ पे जो JDU के पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं पटना ग्रामीण के, वो आए हुए हैं और जो वार्ड सचिव हैं उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। हालांकि जो
वार्ड सचिव हैं, इनका सीधे सीधे ये कहना है कि ये अपनी समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करा चुके हैं, उनसे ये आश्वासन भी प्राप्त कर चुके हैं कि इनकी मांग सही है और इनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन कब तक सुनी जाएगी, इंतजार करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी डाउट न्यूज़। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।